इंदौर शहर में जहां बीते सप्ताह कोरोना के कहर में शहर के लगभग सभी मुक्तिधाम शवों से भरे थे, कहीं जगह वेटिंग चल रही थी, तो अब इस सप्ताह मौतों का आंकड़ा कम होता दिख रहा है। शहर के रामबाग मुक्तिधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुधीर दांडेकर ने मंगलवार को मुक्तिधाम परिसर में मीडिया से चर्चा में बताया कि बीते सप्ताह 20 से 25 शव रोज आ रहे थे, वहीं अब कम हो गए हैं। दांडेकर के मुताबिक रामबाग मुक्तिधाम में कम शव होते हैं तो CNG गैस मशीन द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें एक शव के लिए करीब 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ऐसे में एक दिन में 4 से 5 ही अंत्येष्टि होती है। जब शव अधिक होते हैं तो लकड़ी कंडे के द्वारा अंतिम क्रिया की जाती है। वहीं समिति के दिलीप माने, गणेश गोड़, अविनाश करोसिया, जगदीश करोसिया और अन्य साथीगण अल सुबह से देर शाम तक मुक्तिधाम में सेवा दे रहे हैं। वहीं इंदौर शहर और जिले के अन्य मुक्तिधाम की बात की जाए तो बीते सप्ताह बुरे हाल रहे। हालांकि अप्रैल माह के बाद मुक्तिधाम समूह के पहुँचने का सिलसिला कुछ कम हुआ है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, यहाँ के किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है? रामबाग मुक्तिधाम की जो समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और जब से कोरोना चालू है पिछले वर्ष यहाँ मैक्सिमम कोरोना की ही शव यहाँ पर आए हैं, तो उनका दाह संस्कार यहाँ पर हमारे यहाँ जो गैस की मशीन है PNG से संचालित होने वाली, उसमें और लकड़ी या कंडे में हम उनका विधि विधान से करवा रहे हैं। और साथ ही हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं और हमारे जो साथी हैं, दिलीप माने जी हैं, गणेश गोड़ है, अविनाश करोसिया हैं, जगदीश करोसिया, ये पूरी टीम है हम लोगों की जो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पर लगकर शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये जानकारी बताइए कि सौदाग्रह में सिर्फ कोविड के पेशेंट की सौदा होगी या फिर दूसरे भी? नहीं, दूसरे भी सभी हो रहे हैं। सौदाग्रह जो अपना गैस वाला है उसमें कोविड भी हो रहे हैं और नॉन कोविड भी हो रहे हैं। इससे मतलब कंडे और लकड़ी में भी बचाव मतलब रहेगी क्या? नहीं, कंडे लकड़ी का बचाव तो होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है, PNG में जब अपन करते हैं तो एक शव को पूरा उसका अंत्येष्टि होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, तो दिन भर में 4 या 5 ही हो पाते हैं, और आने वाली जो शव है वो ज़्यादा है, तो फिर लकड़ी कंडों में भी करना पड़ रहे हैं। रोज की बात करें तो अभी फिलहाल कितने शव रोजाना आ रहे हैं? अभी पिछले 2-3 दिन से तो कम हो गए हैं। बीच में जो कुछ समय पिछले हफ्ते में दिन भर में 25 से 30 शव आते थे टोटल, उसमें नॉन कोरोना और कोरोना दोनों थे। आपका नाम? मैं सुधीर दांडेकर, अध्यक्ष रामबाग मुक्तिधाम विकास समिति। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।